क्या सांप दूध पीता है, क्या सांप को दूध पिलाना चाहिए, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, बिहार स्नैक सबर यूट्यूब चैनल में मैं विशाल लीत आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बड़ा ही नॉलेजेबल वीडियो है। आज नाग पंचमी के दिन है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं लोगों को जानकारी के लिए कि नाग पंचमी के दिन लोग दूध और धान के बने लावे चढ़ाते हैं, जो कि नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन लोगों का आस्था, इसीलिए लोग चढ़ाते हैं। मैं हर एक वीडियो में ये जानकारी देता हूँ कि सांप के पेट में एंजाइम नहीं होता, सांप के पेट में एंजाइम नहीं होता कि दूध को पचा सके, लेकिन लोग क्या करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। आज नाग पंचमी के दिन है, इसीलिए देखिए हर एक घर में जो होता है, घर में लोग दूध और लावा चढ़ाते हैं, लेकिन नहीं चढ़ाना चाहिए। मैं ये फिर से बोल रहा हूँ कि नहीं, नाग पंचमी के दिन शाम के समय में लोग लावा बिखेरते हैं, दूध चढ़ाते हैं। इनका मानना है कि रात में सांप निकलते हैं और ये दूध पीते हैं और लावा खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। रवीन जी आइए, आप बताइए कि ऐसा होता है? ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब अंधविश्वास है। सांप मांसाहारी है, दूध लावा नहीं खाता है, नहीं बल्कि वो कीड़ा मकोड़ा खाते हैं, मांसाहारी है वो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं बरसों से, इसलिए हम लोग मानते हैं, करते हैं। चलिए, लेकिन लोग चढ़ाते हैं। मान के चलिए एक उदाहरण लेते हैं, बकरी, जैसे बकरी है पेड़ पौधे खाने वाले जीव, लेकिन अगर उसको मांस खिलाएगा तो नहीं खाएगा। उसी तरह से सांप जो है, उसका मुख्य भोजन है मेढक, चूहा, कीड़ा मकीड़ा, ये खाते हैं। अगर उनको भी आप चावल दाल ये सब खिलाएगा तो नहीं खाएगा। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि सांप को दूध और लावा ना खिलाना का प्रयास कीजिए। चलिए मंदिर में दिखाते हैं लोगों की आस्था, जो कितना मात्रा में लावा दूध चढ़ाए हुए हैं, चलिए दिखाते हैं और वहाँ पे जानकारी देते हैं। चलिए मैं भोले बाबा को प्रणाम करता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे कितने मात्रा में लोग दूध और लावा चढ़ाए हुए हैं, देख लीजिए। यहाँ पे एक सांप का भी प्रतिमा बना हुआ है, शिवलिंग है, वहाँ पे ये नंदी भी है, वहाँ पे गणेश जी भी है। चलिए, लेकिन लोगों को यही मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि कभी भी सांप को दूध ना पिलाए, क्योंकि सांप के पेट में एंजाइम नहीं होता। मैं हर एक वीडियो में ये बताता हूँ कि सांप के पेट में एंजाइम नहीं होता है जो दूध को पचा सके। अगर आप सांप को दूध पिला भी देते हैं तो ये सांप 2-4 रोज के अंदर में सांप की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि सांप को निमोनिया हो जाएगा, बुखार लग जाएगा, उल्टी होगा और सांप 2-4 रोज के अंदर में मर जाएगा। इसीलिए आप लोगों को हाथ जोड़कर दूध पिलाने का कोशिश ना करें, लेकिन लोगों की आस्था है, लेकिन लोग आपको दूध और लावा चढ़ाते हैं। आज नाग पंचमी का दिन है, इसीलिए हर एक घर में लोग दूध और लावा चढ़ाते हैं। दोस्तों मेरा यही कहना है कि सांपों को दूध ना पिलाए, लेकिन आस्था है, आस्था के पीछे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरा जानकारी देना यही है कि सांप को दूध ना पिलाए। चलिए ठीक है, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करते हैं।